नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले हमने देखा है कि हाइड्रोपोनिक्स का बेसिक सेटअप कैसा होता है और उसको कितना लागत आ सकता है, कितना खर्चा आ सकता है, तो ये और मैंने साथ में एक बेसिक आपको आइडिया भी दिया था कि हाइड्रोपोनिक सेटअप कैसा होता है और वो कहाँ से कैसे कैसे पानी वगैरह फ्लो होता है उसमें और मोटर वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है इससे पहले। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वो पहले वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है मैंने, तो प्लेलिस्ट अपने चैनल पे ही मिलेगा आपको। उसमें मेंशन है 100% प्रैक्टिकल कोर्स, ऐसा लिखा है हाइड्रोपोनिक्स 100% प्रैक्टिकल कोर्स, तो वो देख सकते हैं आप। और साथ में एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपने अपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली टाइम में मैं बहुत सारे हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ और लाते ही रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो आज हम देखेंगे इसका अगला जो वीडियो है वो हम आज मैं बना रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे कि कोकोपीट को कैसे बनाते हैं। कोकोपीट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हाइड्रोपोनिक्स में, तो जब भी आप कोकोपीट लोगे तो मेक श्योर कि वो कोकोपीट में उसका जो TDS है वो कम हो, यानी कि वो स्टेरिलाइज्ड हो। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको एक ऐसा छोटा सा ट्रे लेना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आपको पास नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर ज़रूर रखिए एक आध ट्रे जिसको हम यूज़ करके, मतलब कैसा है गंदगी बहुत कम फैलती है, मतलब कुछ अपने पास कैसा रहता है कि कुछ कोकोपीट वगैरह रहता है तो इधर उधर देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कोकोपीट गिरा है, तो ऐसा गिरता नहीं है। तो ऐसा एक ट्रे रखिए अपने पास छोटा सा, बहुत 50-60 रुपये में ही मिलता है, आपके लोकल एरिया में ज़रूर मिलेगा, हर एक मतलब इंडिया में तो बहुत आसानी से ही मिल जाता है भारत में अपने। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक 2 इंच का नेट पॉट, कोई नेट पॉट बोलता है, कोई नेट कप बोलता है, तो ये नेट कप जो है ये 2 इंच का है। और मेरे पास जो मैंने जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मेरे पास जो भी यहाँ पे सिस्टम है हाइड्रोपोनिक्स मेरे बैकयार्ड में, उसमें 2 इंच का भी है और 3 इंच का एक पाइप है और 2 इंच के 2 पाइप्स हैं, तो ये 2 इंच का है। तो मेरे पास अभी लगभग ये 2 इंच के मैंने जो ज़रूरी है, मुझे जितना लगता है लगेगा वहाँ पर उतने मैंने ऑलरेडी ले कर रखे हैं। साथ में ये है 3 इंच का, तो ये मेरी सबसे टॉप वाली जो पाइप है उसके अंदर जाएगा। और हमें एक और चीज़ लगेगी उसके लिए, ये देखिए ये वाली चीज़ है वो जिसको बोलते हैं कोकोपीट का ब्लॉक का ये टुकड़ा है, तो ये मैंने 5 kg का कोकोपीट परचेस किया था कुछ समय पहले, तो उसके एक ब्लॉक का टुकड़ा ही है, तो मुझे इतना मैंने लेके रखा है। इसको कैसा करने का, थोड़ा सा तोड़ के रखने का इसमें, या सीधा आप इसके ऊपर पानी डाल के इसको भिगो सकते हैं और फिर वो बढ़ता है। तो ये चीज़ें लगेंगी, सबसे पहले हमें कोकोपीट प्रिपेयर करना है। तो ये कोकोपीट है, ये ऑलरेडी जो मैंने परचेस किया, ये कोकोपीट ये ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड कोकोपीट ही मैंने परचेस किया है, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से तो लिया था मैंने, मेरे पास 3-4 ब्लॉक्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो अभी मैं इनका ही यूज़ करूँगा। और जो मेरा ऑलरेडी जो सेटअप है उसके अंदर का भी कुछ कोकोपीट मेरे पास है, उसको स्टेरिल करना है, मतलब उसको अच्छे से धो के लेने के बाद सुखाना होता है, तो वो अभी मैं पुराना वाला कोकोपीट नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी यूज्ड है जो अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप में रहता है, अब मैं ये नया वाला ले रहा हूँ, ये जो हाइड्रो अपना कोकोपीट की ब्रिक रहती है 5 kg की, उसमें से मैंने थोड़ा लिया है इस कंटेनर में भिगोने के लिए। तो यहाँ पे कैसा है कि वो तुरंत घुल मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर हम देखेंगे, आज मैं यहाँ पे लेमन ग्रास लगाने वाला हूँ, जिसको मराठी में बोलते हैं गवती चा एक, और इंग्लिश में लेमन ग्रास, हिंदी में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, पर ये जो लेमन ग्रास होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसको चाय में यूज़ किया जाता है, दूध में भी पिया जाता है, सब्जियाँ वगैरह उसमें भी डाल के खाया जाता है, और उससे उस जो चाय है या जो भी सब्जी है उसका स्वाद बहुत मस्त हो जाता है और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम उसमें वो बहुत यूज़फुल है। तो ये एक हर्ब है, हर्ब भी बोल सकते हैं हम।
तो ये जो लेमन ग्रास है, आज हम इसको मैं पूरे मेरे बैकयार्ड में इसको लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे टाउन में जिस टाइम में मैं रहता हूँ अभी, यहाँ पे लेमन ग्रास मिलता ही नहीं है। और कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त था, वो लेमन ग्रास घर पे उगाया था उगा करता था वो भी। और फिर जब वो बेचने जाता था बाजार में, तो बहुत अच्छा उसको मुनाफा मिलता था उसमें, अगर क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे था नहीं जो लेमन ग्रास बेच रहा था, तो वो बहुत अच्छे से कमा रहा था वो यहाँ पे ही सेम। वो उसके खेत में लगाया था थोड़ा बहुत, एक दो क्या बोलते हैं, उसके छोटा सा प्लॉट था उसमें लगाया था उसने, पर वो अच्छा खासा इनकम निकल रहा था, क्योंकि इसको कैसे है कि लेमन ग्रास को एक बार कटने के बाद वो फिर से दो बार उगता है, तो और सीड्स भी आपको 3-4 महीने में मिल जाते हैं उसके, तो आप अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, अगर आपके यहाँ पे लेमन ग्रास नहीं मिलता है तो आप एक अच्छा खासा इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो एक अभी मैं इसमें पानी डालता हूँ और फिर देखते आगे, मैं सब स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बने रहिए एंड तक। तो मैंने पानी ला के रखा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा पानी डालकर चालू करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे ऐसा पानी डाल के रखा है इसमें, तो आप देख सकते हैं ये फूलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये फूल स्टार्ट हो चुका है, अभी नीचे से फूलेगा ये, क्योंकि पानी अभी नीचे से आएगा इसमें। तो देखिए अभी इसको उल्टा करता हूँ, तो ये देखिए ये फूल गया है, तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। तो जैसे ही ये पूरा घुल मिल जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, एक सफिशेंट अमाउंट में पानी डालिए, और फिर ये पूरी तरीके से खुल जाएगा, ये कोकोपीट ऐसा खुल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा खुल जाएगा ऐसा, तो फिर ये रेडी होता है यूज़ करने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको सा हल्का हल्का तोड़ सकते हैं आप, देखिए। तो आप ऐसा एक हद ब्रिक ऑलरेडी ला के रख सकते हैं। कुछ लोग क्ले बॉल्स भी यूज़ करते हैं, जिसको लेक का बॉल्स भी बोलते हैं, तो लेक का भी यूज़ कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है आपके यहाँ पे उसका, वो थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है लेक का, तो लेक का बॉल्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, बट कोकोपीट आपको कोई भी नर्सरी में भी मिल जाएगा आराम से। तो आप जब कोकोपीट यूज़ करेंगे तो उसको अच्छे से चेक कीजिए कि उसमें उस पहले स्टेरलाइज आता है या नहीं है। अगर वो पहले से स्टेरलाइज नहीं आता है, तो फिर आपको ये कोकोपीट को 3-4 बार अच्छे से धोना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे आपको तोड़ के रखना है। अभी देखिए ये ऑलमोस्ट पानी इसने या जितना डाला था उतना उसने स्लो कर लिया, अभी मैं वापस इसमें और पानी डालता हूँ, ठीक है। अभी देखिए एक अच्छे से अभी घुल रहा है ये, बचा खुचा जो भी है थोड़ा बहुत। ये बहुत तुरंत घुल मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कोकोपीट है, तो लेते समय आप अच्छा क्वालिटी का ही कोकोपीट लीजिए, और वो प्योर कोकोपीट होना चाहिए। उसमें कुछ कुछ कोकोपीट में नर्सरी में जो मिलता है बैग्स वगैरह में, उसमें क्या रहता है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड किया हुआ रहता है, बट आपको वर्मी कंपोस्ट वाले कोकोपीट का ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर मिल जाए तो भी अच्छा है, बट वो थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है। ये मुझे कुछ 300 रुपये इसके 5 KG के दो ब्लॉक्स मिले थे, तो उसमें तो लगभग 1 महीने ओपन किया था, अभी तक एक यूज़ किया है जो लेटेस्ट में लिया है मैंने, तो उसमें लगभग मुझे 50 किलो के करीब कुछ मिला है 5 KG से, तो वो भी एक बहुत अच्छा है चीज़ है, अच्छा खासा मिलता है उसमें भी कोकोपीट पानी डालने के बाद। तो अभी ये थोड़ा सा इसको और हम रखते हैं ऐसा अंदर, क्योंकि अच्छे से घुल मिल जाए, और थोड़ा सा और हम इसमें पानी ऐड करेंगे, कुछ कुछ ऐसा देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें कुछ कुछ सूखा है अभी भी, ये देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत सूखा है अंदर से, तो ये एक बार ये अच्छे से
पानी में मिक्स हो गया। तो अभी फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा हो गया है, पर हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि क्या है कि थोड़ा कुछ कोकोपीट अभी भी ड्राई लग रहा है मुझे अंदर से, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा बहुत हाथ गंदा हो सकता है, आपको इसको गंदा की नहीं कहना है, तो आप बोलेंगे गंदा गंदा क्या हो गया, पर ऐसा नहीं रहता दोस्तों, गंदा वगैरह कुछ नहीं रहता इसमें। ये प्योर नारियल का कोकोपीट, नारियल से बनता है, नारियल के बुरादे से, तो बहुत अच्छा है। सेब भी है कुछ, मतलब इसका प्लांट के ऊपर इतना कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर इसका जो TDS बहुत कम रहता है, जो अगर स्टेरिलाइज है तो ऑलमोस्ट 100 के नीचे रहेगा आपका, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसके अंदर वेट करते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ कि अब हमें नेट पॉट को कैसे फिल करना है। उसका एक बहुत ऐसा टेक्निक है ना दोस्तों, कि आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे, जिसको बोलते हैं कैपिलरी रिएक्शन, जिसमें अपना पानी का बहुत ज़्यादा बचत होता है और रूट रॉट की समस्या भी नहीं आती है। तो वो कैपिलरी एक्शन के साथ हम लेमन ग्रास को लगाने वाले हैं नेट पॉट के अंदर। तो मैं आपको वो पूरा सीड से लेके सीड कैसे लगाते हैं, कोकोपीट कैसे डालते हैं, कैपिलरी मेथड क्या होता है, वो सब इन डिटेल बताऊँगा। तो इससे आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।